अहम अत्र अष्टम्यां कक्षायां पठामि मया गीतापि कंठीकृता संख्या सहितं तर्हि मम सौभाग्यस्य वार्ता अस्ति यद् अहम पतंजलि गुरुकुले पठामि। संस्कृत में अपना परिचय देते अनंत कृष्ण मूलतः मध्य प्रदेश से हैं, नक्ष जम्मू कश्मीर से, मैथी आंध्र प्रदेश से, कार्तिकेय उत्तर प्रदेश से, राहुल उत्तराखंड से और जनक मूलतः कर्नाटक से हैं। केवल कन्नड़? हाँ, बस कन्नड़ आता था हमें। अब हमें हर एक चीज़ आती है, मतलब हमारी हिंदी भी बहुत अच्छी हो गई, हम बोल भी लेते हैं, हमें कॉन्फिडेंस भी आ गया बोलने की हिंदी। तो कन्नड़, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सब सभी आता है, मतलब स्पेनिश, इंग्लिश, कन्नड़ा, हिंदी। वाह, बहुत बढ़िया। यहाँ पतंजलि गुरुकुलम में देश भर से आई छात्राएं कहीं हवन कर रही हैं, तो कहीं छात्र यज्ञ में आहुति डाल रहे हैं, कहीं कक्षा के भीतर पढ़ाई हो रही है, तो कहीं खुले मैदान में खेल कूद। इस गुरुकुलम के पीछे क्या है सोच स्वामी रामदेव की? ये संगम है सनातन संस्कृति का और आधुनिक समृद्धि का। संस्कृति मूलक समृद्धि के सोपान बच्चे चढ़े और आने वाले समय में जब वर्ल्ड के 100 रिचेस्ट लोगों का नाम आए तो उसमें से 50 से ज़्यादा पतंजलि के बच्चे हों, वर्ल्ड के टॉप पॉलिटिशियंस का नाम आए, वर्ल्ड के टॉप बुद्धिजीवियों का नाम आए, इंटेलेक्चुअल्स का नाम आए, प्रशासनिक सेवाओं का नाम आए। मैं तो चाहता हूँ आने वाले समय में पतंजलि गुरुकुलम से पढ़े हुए बच्चे देश के प्रधानमंत्री बने। सुनिए, यह पतंजलि गुरुकुलम क्यों है पूरे विश्व में विशेष? हरिद्वार में जो पतंजलि गुरुकुलम संचालित है उसमें एक तरफ बालक एक तरफ बालिकाएं, दोनों का परिसर अलग रहता है। तकरीबन हमारे पास 800 के लगभग विद्यार्थी हैं, उसमें छात्र भी हैं, उसमें छात्राएं भी, और बच्चे। शायद यह विश्व का प्रथम शिक्षण संस्थान, आवासीय शिक्षण संस्थान है जिसमें प्रवेशिका से, नर्सरी से बच्चे रहते हैं। बालिकाओं के परिसर का संचालन साध्वी देववरण्या की अगुवाई में होता है। यहाँ पर किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बेटा बेटी, कोई जात पात आदि कुछ भी नहीं होता है भैया जी, और ये कुछ कोई चुनौती नहीं है भैया जी। इनफैक्ट हम लोगों को बेटियां शायद संभालने में ज्यादा सरल होती है। स्वामी रामदेव गुरुकुलम के बेटे बेटियों के प्रति समान शुभेच्छा रखते हैं। वो मुख्य न्यायाधीश बने, सेनाध्यक्ष बने और बेटे और बेटियां दोनों समान रूप से आगे बढ़े। पतंजलि गुरुकुलम में दिनचर्या ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 4 बजे से शुरू होकर रात 9-10 बजे के बीच शयनकालीन मंत्र तक चलती है। फिलहाल प्रवेशिका या नर्सरी से लेकर कक्षा 10 तक वाले इस गुरुकुलम में नर्सरी से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चों को ही प्रवेश मिलता है। इसके संचालन में करीब 20 सन्यासी सन्यासिनी और ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी सहित कुल 55 लोगों की टीम अनवरत जुटी है। ब्रेन की ऐसी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उन बच्चों को दुनिया का कोई प्रलोभन डिगा ना सकेगा, कोई आंधी, कोई तूफान, कोई चुनौती, कोई संघर्ष उनको अपने ध्येय से हिला ना सकेगा। हिमालय की तरह अडिग रहने वाले और विश्व विजय का संकल्प अपने हृदय में संजो करके चरैवेति चरैवेति के साथ आगे बढ़ने वाले वो विद्यार्थी हम गढ़ रहे हैं पतंजलि गुरुकुलम। ऐसे विद्यार्थियों को गढ़ने का काम यह गुरुकुलम बीते 5.5 वर्षों से कर रहा है। साथ ही यहाँ भविष्य के एक ऐसे गुरुकुलम का निर्माण भी हो रहा है जो पूरे विश्व में श्रेष्ठ हो और जहाँ पूरे विश्व से बच्चे आकर प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण कर सकें। पतंजलि गुरुकुलम में सनातन वैदिक शिक्षण पद्धति के साथ ही वर्तमान की आधुनिक शिक्षा का भी अद्भुत संगम हुआ है। देखिए कैसे। जिस समय बच्चे ठीक से बोल भी नहीं पाते, पतंजलि गुरुकुलम में वैसे नर्सरी के बच्चों द्वारा सस्वर गीता गायन। LKG के बच्चों द्वारा शिव तांडव स्तोत्र पाठ। UKG के बच्चों द्वारा ईशोपनिषद पाठ।
कक्षा 2 के बच्चों द्वारा तैत्तिरीयो उपनिषद पाठ। और कक्षा 3 के बच्चों द्वारा अष्टाध्यायी पाठ। जब हम किसी एक ऋषि का ग्रंथ, आपने पाणिनि अष्टाध्यायी याद कर ली, आपने भगवत गीता याद कर ली, तो पाणिनि और भगवान श्री कृष्ण ज्ञान के रूप में आप में प्रतिष्ठित हो गए। तो शास्त्र मात्र एक कंठकरण नहीं है, ऋषि मेधा को आत्मसात करना है। और जब ऋषि मेधा से युक्त भारत के बालक और बालिकाएं दुनिया के सामने आएंगे और उनका आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव और आचरण इतना श्रेष्ठ होगा, पूरी दुनिया वैसा होना चाहिए। इधर वैदिक वांगमय तो उधर एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा स्पेनिश में अपना परिचय देती गुरुकुलम में कक्षा 4 की छात्रा वंदना। मैं यामो वंदना तेनगो दियेस आन्योस सोई दे बिहार मी कोले खियो से यामा पतंजलि गुरुकुलम एस्तोई एन ग्रादो क्वात्रो। स्वामी रामदेव का सपना समग्र शिक्षा का केंद्र बने गुरुकुल अपना। श्रद्धेय श्री गुरुजी महाराज का सदैव हमारे लिए कहना है कि शिक्षा में 3 पहलू लेकर के हम चलें। एक, बच्चों को निरंतर योगाभ्यास कराएं, दूसरा उन्हें विद्या का अभ्यास कराएं, तीसरा उन्हें श्रेष्ठ व्रतों का अभ्यास आचरण कराएं। पतंजलि गुरुकुलम में योगाभ्यास के अंतर्गत योग आसन प्राणायाम, विद्याभ्यास के अंतर्गत गीता दर्शन उपनिषद पाणिनीय और वेद जैसे शास्त्रीय वांगमय, विज्ञान और गणित की आधुनिक विधाएं और संस्कृत सहित विभिन्न देशी विदेशी भाषाएं शामिल हैं। संस्कार ऐसे कि यहाँ के बच्चे गीता के श्लोकों से हमारे चैनल का कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हैं। इस पतंजलि गुरुकुलम में कला संगीत एवं नृत्य तथा अनेकों स्वास्थ्यवर्धक खेलकूद जैसी अन्य सहगामी क्रियाओं की भी समुचित व्यवस्था है। रेसिंग ट्रैक पर सरपट दौड़ते नन्हे बालक और उनसे कुछ बड़ी बालिकाएं भी, अद्भुत संतुलन साधती यह कन्या। रस्सी के सहारे ध्यान और योग दोनों, जिंदगी में शहमात के खेल की तैयारी कराती शतरंज की यह बाजी। ताइक्वांडो जैसे मार्शल आर्ट्स की तैयारी में जुटे बच्चे और बॉक्सिंग में धूम मचाने की जबरदस्त तैयारी। पतंजलि गुरुकुलम के ये बच्चे अपने इन अभ्यासों की बदौलत अनेकों प्रतिस्पर्धाओं में जीत भी दर्ज कर रहे हैं। हमारे बॉक्सिंग में गोल्ड भी आया इस बार। कैसे, बताओ कहानी, बताओ क्या हुआ था। अभी हम SFA में गए थे देहरादून में, तो फिर वहाँ पर SFA में मतलब वो एक प्राइवेट वो है कंपटीशन होता है, तो उसमें हमारा बॉक्सिंग में गोल्ड आया। इस गुरुकुलम के बच्चे पढ़ाई और खेल के बीच में संतुलन के प्रति भी सजग हैं। एक स्टेप होता है कि हमारा पढ़ाई, तो पढ़ाई मेरी बहुत अच्छी है और जो खेल है वो भी बहुत अच्छा है कि अगर हम अपना सेल्फ डिफेंस कैसे कर रहे हैं तो ये हमें बताया जाता है, तो हम वो भी कर सकते हैं और अपनी संस्कृति को इसी द्वारा आगे लेके जाएंगे। खेल कूद से जुड़ी 15 विधाओं में पतंजलि गुरुकुलम में 15 प्रशिक्षित कोच भी मुस्तैद हैं। स्वामी रामदेव का लक्ष्य है कि पतंजलि गुरुकुलम के बच्चे भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व का नेतृत्व करें। अखंड प्रचंड पुरुषार्थ सुबह 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक, ये किसी कैरिकुलम से नहीं होता है। कैरिकुलम तो अपनी जगह है, वो श्रेष्ठतम है पतंजलि गुरुकुलम का, भारतीय शिक्षा बोर्ड का। तो हम सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक अखंड प्रचंड पुरुषार्थ में बच्चों को ढालते हैं। प्रचंड पुरुषार्थ वाले उस समग्र व्यक्तित्व के विकास में खेलकूद और कक्षा की पढ़ाई के साथ साथ संगीत का भी अहम योगदान होता है।
पतंजलि गुरुकुलम में इस बात का भी समुचित ध्यान रखा जाता है। वैदिक शिक्षा प्रणाली की एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में पतंजलि गुरुकुलम तो अपनी भूमिका निभा ही रहा है, पर इससे कहीं अधिक व्यापक और देशव्यापी स्वरूप में अब स्वामी रामदेव की अगुवाई में करीब 150 साल पूर्व अंग्रेजों के समय शुरू हुई मैकॉले की विषाक्त शिक्षा पद्धति के अमृत समाधान स्वरूप भारतीय शिक्षा बोर्ड नामक CBSE के समकक्ष वाले एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपक्रम की शुरुआत हो चुकी है। कुमार जी, देश करीब 1000 सालों से शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, भाषा की गुलामी, वैचारिक गुलामी और आंशिक तौर पर राजनीतिक गुलामी के दौर से भी गुजरा। और यदि किसी देश को लंबे समय तक गुलाम रखना है तो कहते हैं उसकी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दो आप, तो मैकॉले ने यही पाप किया था। और मैकॉले के उसी पाप को धोने का एक उपक्रम है भारतीय शिक्षा बोर्ड, जिसके माध्यम बने स्वामी रामदेव अपनी पतंजलि योग पीठ के जरिए। वो जो स्वामी रामदेव जी का विजन था कि हम नूतन और पुरातन का समन्वय कैसे करें, हम कैसे परंपरा और अनुसंधान का समन्वय करें, ऐसी शिक्षा भारत की होनी चाहिए, और उसको यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक कानूनी स्वरूप प्रदान कर दिया। इस भारतीय शिक्षा बोर्ड को कानूनी स्वरूप देने की कवायद शुरू हुई मार्च 2019 में, जब पतंजलि योगपीठ का चयन इसके स्पॉन्सरिंग बॉडी के रूप में हुआ। कालांतर में अनिवार्य वैधानिक प्रक्रियाओं से गुजरते हुए इसके पाठ्यक्रम और पाठ्य विवरण या सिलेबस एंड करिकुलम के बनने और प्रमाणित होने के पश्चात पिछले साल अगस्त 2022 में इसे भारत सरकार द्वारा CBSE के बराबरी की समकक्षता या इक्विवेलेंस प्रदान की गई। पर क्या है इसका उद्देश्य? हमारा उद्देश्य है भारतीय शिक्षा बोर्ड का कि हम वैश्विक नागरिक बनाएंगे, वैश्विक स्तर पर प्रतियोगिता में अपने को उत्कृष्ट सिद्ध करने की उनके अंदर दक्षता पैदा करेंगे, और भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से हम उनको वैश्विक नागरिक बनाएंगे, लेकिन उस दक्षताओं का उपयोग करने का जो मूल्य बोध है वो भारत का होगा। भारतीय शिक्षा बोर्ड को भारतीय बच्चों के मानस, भारत और भारतीयता के अनुरूप तैयार किया गया है। इसके पाठ्यक्रम में सिर्फ अक्षर ज्ञान ही नहीं बल्कि भारत की सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्म का समुचित पुट भी है। अब हम चाहते हैं कि भारत अपने पुनः परम वैभव को प्राप्त करे, तो उसमें ये भारतीय शिक्षा बोर्ड और पतंजलि गुरुकुलम ये नींव के पत्थर साबित होंगे। पतंजलि गुरुकुलम के बच्चों को भी भारतीय शिक्षा बोर्ड के बारे में पता लगने लगा है। हमें यहाँ पे भारतीय शिक्षा बोर्ड अभी होने वाला है, तो हमें उसमें पढ़ना है, और हमें यहाँ पे शिक्षा बहुत अच्छा लगता है। महती की भांति जैसे जैसे लोगों को भारतीय शिक्षा बोर्ड के बारे में पता चलने लगेगा, वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा स्कूल इसे अपनाने लगेंगे, फिर बड़ी से बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय विश्व नागरिक बन विश्व का मार्गदर्शन करने लगेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर से लेकर केरल या असम से लेकर गुजरात तक कोई भी विद्यालय कैसे इस नवगठित भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध या एफिलिएटेड हो सकता है। देखते रहिए क्या बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश भर में अगर कोई भी विद्यालय, कोई भी स्कूल भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध या एफिलिएटेड होना चाहता है, तो क्या होगी उसकी प्रक्रिया, क्या है
भारतीय शिक्षा बोर्ड की विशेषताएं। आइए जानते हैं। भारतीय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष इससे संबद्धता या एफिलिएशन की स्थिति स्पष्ट करते हैं। शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है, इसलिए भारत सरकार के इस अधिकृत करने के बाद भी उस पत्र के आधार पर हमें हर राज्यों में उनकी ऑथराइज्ड लिस्ट ऑफ बोर्ड्स में सम्मिलित कराना है, ताकि कोई अगर विद्यालय हमसे संबद्धता चाहता है तो राज्य से एनओसी प्राप्त कर सके, एनओसी प्राप्त हो। बोर्ड के अध्यक्ष जल्दी ही इसके देशव्यापी बनने के प्रति आशावान भी हैं। उसके लिए हमारे पास उत्तर प्रदेश से हो चुका, उत्तराखंड से हो चुका, गोवा से हो चुका, और लगभग 15 प्रांत ऐसे हैं जहां पर प्रक्रिया चल रही है, और मार्च तक हमें उम्मीद है कि 100% जगहों पर हो जाएगा, क्योंकि पत्रावली हर जगह हमारी सकारात्मक दिशा में अग्रसरित। स्वामी रामदेव स्वयं तो इसे लेकर उत्साहित हैं ही। इस शिक्षा के माध्यम से भारतीय शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था की प्रतिष्ठा और भारत का पुरुषार्थ और प्रतिभा जगा करके मैं ऐसा समर्थ भारत बनाना चाहता हूं कि भारत के लोग यूके, यूएसए, कनाडा, यूरोप के वीजा के लिए लाइन में न लगे, पूरी दुनिया के लोग भारत का वीजा लेने के लिए लाइन में लगे और भारत की करेंसी की वैल्यू वो पाउंड से, डॉलर से कहीं ज्यादा हो। यह सर्वव्यापी सत्य है कि देश दुनिया बदलने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण माध्यम रहा है। इस दृष्टि से स्वामी रामदेव की पहल पर गठित भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत के भविष्य को सकारात्मक दिशा देने की कुवत रखता है। स्वामी रामदेव से तो लगभग सभी लोग भली भांति परिचित हैं, पर क्या अब भी इनके बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो आम लोगों को पता नहीं? आइए जानते हैं स्वयं स्वामी रामदेव से। योग गुरु और पतंजलि उत्पादों के जनक के रूप में तो लोग स्वामी रामदेव को भली भांति जानते हैं, पर शायद कम लोगों को ही पता हो कि अपनी इस प्रसिद्धि से पूर्व उन्होंने गंगोत्री और गोमुख के पास 5 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। गंगोत्री और गंगोत्री से भी ऊपर गोमुख रहा, और गंगोत्री में जहां पर इतने वेग से जल गिरता है कि शायद सामान्य आदमी को वहां 1 मिनट के लिए नींद नहीं आएगी, गौरीकुंड में वहाँ मैं रहा। और मुझे आज मैं वापस गया था, मैं यहाँ रहता था 35 साल पहले। कल्पना करना भी कठिन है कि स्वामी रामदेव कभी भिक्षाटन पर जीवन यापन करते थे। पांडु गुफा है उधर जंगल में, बीहड़ जंगल में, कोई दूर दूर तक इंसान नहीं, रात को कोई भी जंगली जानवर आ जाते थे, और हम मात्र 2 कपड़े जो अभी ओढ़ रखे हैं ऐसे ही, एक छोटा सा जो भिखारी लोगों के पास कंबल होता है ना, बहुत हल्का सा 50-100 रुपये वाला, वो कंबल, और नीचे गुफा में ही जमीन पर बिस्तर लगा करके सोते थे। लगभग 4 किलोमीटर दूर से पानी लाते थे, एक समय की भिक्षा पाते थे, कोई घी नहीं, कोई दूध नहीं, और सुबह से शाम तक ओंकार और गायत्री का जप करते थे। और यदि मतलब कोई, जैसे आजकल लोग होते हैं, मुझे आत्म साक्षात्कार हो गया, हम कोई पाखंड तो करते नहीं इसके नाम पर, लेकिन वहीं से हमें आत्मबोध भी हुआ, कर्तव्य बोध भी हुआ। और यह भी शायद कम लोग ही जानते हों कि स्वामी रामदेव धारा प्रवाह संस्कृत बोल सकते हैं, और वे शास्त्रज्ञ भी हैं। मैंने 4 वेद, 11 मूल उपनिषद, रामायण, महाभारत, भगवद गीता, पुराण, चरक, शुश्रुत, धन्वंतरी, और कालिदास से लेकर के भारत की जो समृद्ध हमारी साहित्य परंपरा, उसको आत्मसात किया, अध्ययन किया गुरु शिष्य परंपरा से। और मैं भविष्य की इस योजना को सुनकर तो हर देशभक्त गर्व करेगा। पतंजलि विश्वविद्यालय 1 लाख से ज्यादा क्षमता वाला होगा आवासीय, और 5 लाख से ज्यादा बच्चा वहां पढ़ेंगे, और पूरी दुनिया एक्सफोर्ड, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड से भी ऊंची क्वालिटी का विश्वविद्यालय बनाएंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट है, करीब करीब सब मिलाकर के 1 लाख करोड़ रुपए का। स्वामी रामदेव का यह अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फरीदाबाद के पास करीब 2,500 एकड़ के क्षेत्रफल वाले परिसर में निर्माणाधीन है। मेरा जन्म योग को, सनातन धर्म को, ऋषि परंपरा, वेद परंपरा को प्रतिष्ठापित करने के लिए हुआ है, इसके लिए मैं इसी में जागता हूँ, इसी में सोता हूँ। मैं ऐसा देखता हूँ
कि मैं इस जन्म में अपने हाथों से अपनी आंखों के सामने करोड़ों सात्विक आत्माओं को साथ में लेकर के भारत को उस परम वैभव तक ले जाने का जो सपना था उसको मैं साकार कर सकूंगा, मैं आश्वस्त हूँ। ईश्वर करें कि स्वामी रामदेव का यह सपना अवश्य साकार हो। अपने योग और पतंजलि निर्मित औषधियों और घरेलू उत्पादों के लिए विख्यात स्वामी रामदेव के शिक्षा संबंधी स्वरूप और उनके गुरुकुल और भारतीय शिक्षा बोर्ड से भली भांति परिचित होने के बाद आप बेहिचक बोल सकते हैं, क्या बात है। जी हाँ, यही है हमारे कार्यक्रम का नाम, क्या बात है।